फ़ोन को कर लेता हूँ ऑन। अब इसको करेंगे हम इसी से ऑन। देख सकते हैं आप, ये मैं पेन के द्वारा चला रहा हूँ अपने फ़ोन को, टच स्क्रीन पेन। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ वीके टेक टीवी में। आज हम बात करेंगे जो टच स्क्रीन पेन होता है वो कैसे यूज़ करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो मैं आज सिंपली आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टच स्क्रीन पेन आप कैसे बना सकते हैं खुद। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम, फटाफट लेके चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन पेन। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगा उसको बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक पेन, जो खाली पेन होना चाहिए, जिसके अंदर कोई जो रिफ़िल होती है वो नहीं, खाली पेन होना चाहिए जिसके अंदर कोई रिफ़िल ना हो। जैसे आप देख सकते हैं इस फैन के अंदर कोई रिफ़िल नहीं है। मैं इसका केप खोल के दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर कोई भी रिफ़िल नहीं है। आपको अगर रिफ़िल हो भी तो फ़ैन की रिफ़िल खाली कर लेनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमने जिसकी बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी है कॉटन की, जो हमारे पास रुई रहती है वो। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉपर वायर का जो एक सिंगल पीस होता है वो है, ये कॉपर वायर का एक सिंगल पीस है। उसके बाद फिर अब मैं फटाफट बनाना स्टार्ट करता हूँ कैसे बनाते हैं टच स्क्रीन पेन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जो पेन है उसके अंदर जो ये कॉपर वायर का ये जो सिस्टम है इसके, इसको मैं अपने पेन के अंदर ऐसे इंसर्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं ऐसे मैं इंसर्ट कर दूंगा, और इंसर्ट करने के बाद मैं इसको ऐसे बैंड करके एक तरह से, और जो इसका जो सेकंड लेयर है उसको क्या करूँगा मैं, ये जो मेरा ये ढक्कन का कैप है इसको मैं फटाफट कर लूँगा ओपन। जब तक ये ओपन कर रहा हूँ मैं, तब तक आप कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मैं फटाफट इसका जो कैप है ये कर लेता हूँ ओपन। कैप को ओपन करने के बाद हमें इसके बाद क्या करना है, ये जो वायर का जो सेकंड पॉइंट है इसको हम कर देंगे इसके अंदर एंटर। तो मैं फटाफट अब इसको इसके अंदर एंटर कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। और उसके बाद फिर सिंपली एंटर करने के बाद क्या करना है, सिंपली एंटर कर दिया मैंने। अब मैं इसे कर दूंगा थोड़ा सा, पूरा वायर को अंदर करके टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद इस वायर को कर देना है आपको, इसका जो कैप है इसको फिर हमें करना पड़ेगा क्लोज। तो मैं अब आप भी इसके जो कैप है उसको कर दीजिए क्लोज। मैं इसका ढक्कन लगा देता हूँ, ढक्कन लगा के अच्छे से टाइट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं भी ढक्कन लगा रहा हूँ, आप भी ढक्कन लगा दीजिए। और ढक्कन लगाने के बाद क्या करना है अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा कैप है ये हो गया तैयार। अब ये जो ये कॉटन है इस कॉटन का इस्तेमाल करना है। तो अब हम जो ये जो रुई है कॉटन को थोड़ा सा ले लेंगे और इसे रब करेंगे। रब करने के बाद इसकी जो जो अब नीचे का एरिया है उससे हम थोड़ा पतला कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा पैन में जो निप रहता है, निप का काम ये कॉटन करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं इसे हमने आगे के हिस्से को पतला कर दिया और पीछे के हिस्से को हम मोटा ही रहने देंगे क्योंकि हमें इसे ढक्कन के इसमें लगाना है। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको इसको अंदर एंटर करके। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको अंदर को, इसके जो हिस्सा है पतले वाले को इसको हम पहले अंदर भेज देंगे, जिससे क्या होगा ये अंदर चला जाएगा। देखिए मैं इसको जरा अंदर कर देता हूँ। अंदर करने के बाद फिर इसको एकदम टाइट से करना है कि देख लीजिए थोड़ा सा और जितना अंदर जा रहा है आपको उतना अंदर इसे कर देना है। और इसके बाद फिर अंदर करने के बाद तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कॉटन को इसके अंदर करके इसके बाद फिर सिंपली जो ये कॉपर वायर दिख रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो इसका जो कॉपर वायर है इसको आपको इस पेन के निप के साथ अंदर में एंटर कर देना है। और जो ये जो कॉटन का हिस्सा जो बाहर निकला है इसे आपको पानी से गीला कर लेना। मैं इधर पे पानी नहीं ला रहा हूँ, मैं इसे गीला करके लाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको उस कॉटन को जो आगे जो कॉटन था उसे गीला कर लेना है, और जो ये आगे का जो हिस्सा है फ्रंट का इसको कुछ इस तरह से निप की तरह इस्तेमाल कर लेना। अब मैं आपको इससे अपना फ़ोन चला के दिखाऊँगा, ठीक है। अब मैं फ़ोन को कर लेता हूँ ऑन। अब इसको करेंगे हम इसी से ऑन। देख सकते हैं आप, ये मैं पेन के द्वारा चला रहा हूँ अपने फ़ोन को, टच स्क्रीन पेन। आप भी बना सकते हैं टच स्क्रीन पेन, देख सकते हैं ऐसे स्लाइड, ऊपर से स्लाइड करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये नीचे से स्लाइड हो गया, ये ऊपर से स्लाइड हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसा लगा ये किस प्रकार से, तो आप कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। और आप भी बनाइए ये पेन, ये जो पेन आप देख रहे हैं ये आप भी बना सकते हैं 0 रुपीज़, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्री में। और आपको ऐसी कुछ पेन के लिए और भी अच्छी टिप्स चाहिए तो हमें बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी कोई ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आप फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए लाइक, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।